बिहार के बक्सर में एक खौफनाक वारदात ने सबको हिला कर रख दिया है। बक्सर में अपने 5 साल के बेटे के साथ बैंक जा रही महिला के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया, फिर महिला को उसके बच्चे के साथ बांधकर नदी में फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये मामला मुरार थाने के ओझा बराव गांव का है, जहां बैंक जा रही एक महिला को उठा 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना पर पीड़ित महिला के पिता ने कहा कि उसकी बेटी अपने 5 साल के मासूम के साथ बैंक के लिए निकली थी, लेकिन 11 बजे के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद सुबह नदी में बेटी के साथ उसका बच्चा भी बंधा हुआ मिला। फिलहाल पीड़िता का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पीड़िता अभी कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्टर्स का भी इंतजार किया जा रहा है। न्यूज़ डेस्क।